मेरा नाम करण है। मैं पेशे और शौक से शेफ हूँ। दरअसल एक हेड शेफ हूँ। अगर मैं काम पर ना जाऊँ तो रेस्टोरेंट में तहलका मच जाता है। मैं पिछले कुछ वक्त से बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, उस वजह से मैं अक्सर घर आने में लेट हो जाता हूँ, जिस वजह से मेरे और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच काफ़ी परेशानियाँ शुरू हो गई। इसलिए वैलेंटाइंस डे उन दिनों में से एक था जिस दिन मुझे अपने काम के साथ समझौता करना पड़ा। मुझे उसे एक ऐसा दिन बनाना पड़ा जहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करने के लिए मुझे खाना बनाने की अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़ा। वो अपने बेस्ट फ्रेंड सूरज के साथ हाइकिंग के लिए गई थी और शाम 7 बजे तक मेरे हाथ से बने खास डिनर के लिए लौटने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, वह दिन रोमांस से कोसों दूर जाता रहा। पहले तो मैं चाहता ही नहीं था कि वह जाए। मेरा मतलब है कि कौन सी लड़की इस तरह वैलेंटाइंस डे वाले दिन अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हाइकिंग के लिए चली जाती। मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि वो मुझे सबक सिखाने की कोशिश कर रही थी, और मैं ये भी समझता था कि अगर मुझे इस शाम को बचाना है तो अपना मुंह बंद करना होगा। मैंने पूरे दिन बहुत सारे काम कर लिए थे। एक ऐसा मेन्यू तैयार किया जिसमें बेहद प्यार झलके। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की मनपसंद की सभी डिशेज को बना लिया था और उन सभी चीज़ों को अच्छे से टेबल पर सजा भी दिया था, और साथ में टेबल पर मोमबत्तियां और गुलाब भी रख दिए थे जो उस दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जैसे ही घड़ी में 7 बजे से ऊपर का समय हुआ, मैंने निशा को मैसेज भेजा। मेरी बात में चिंता का संकेत भी था। हे जान, डिनर तैयार है, सब ठीक तो है ना, मैंने पूछा। मुझे माफ करना, थोड़ी देर लग रही है, हाइकिंग में मेरी समझ से ज्यादा वक्त लग रहा है, निशा ने जवाब दिया। मैंने सब्र रखने की कोशिश की और खुद को अपने कामों में व्यस्त कर लिया। लेकिन जैसे ही मिनट घंटे में गुजरे, उसके मैसेज अजीब होते गए। तुम काफी समय से गई हो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, मैंने दोबारा मैसेज करके पूछा। मेरा ध्यान भटक गया था, जंगल में हमें कुछ अजीब देखने को मिला, मैं आकर तुम्हें सब बताती हूँ, निशा ने जवाब दिया। उसकी आधी अधूरी बातों ने मेरी चिंता को कम नहीं बल्कि और बढ़ा दिया, और मेरी निराशा और ज्यादा बढ़ गई जब मैंने किचन में एक चूहे को इधर उधर भागते हुए देखा। कुछ समय से हम घर में चूहों से संबंधित थोड़ी परेशानी का एहसास कर रहे थे, लेकिन आज का दिन इसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अब मैं एक चूहे को भी जीतने नहीं दे सकता था। हाथ में एक बैट लिए मैं उसकी खोज में निकल पड़ा। मेरा मूड और भी ज्यादा खराब हो चुका था। वो चूहा माया भी निकला, वो मेरे हर वार से बसता रहा और फिर आखिरकार अपने बिल में जाकर छुप गया। हार कर गुस्से में मैंने बैट वहीं फेंक दिया। मेरे दिमाग में एक बार फिर अजीब अजीब ख्याल आने लगे, निशा का लेट हो जाना, उसके अजीब अजीब जवाब आना, और अब इस चूहे की परेशानी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी कायनात शाम को खराब करने के लिए ठान कर बैठी है। मैंने निशा को फिर मैसेज किया, निशा काफी देर हो चुकी है, तुम घर कब आ रही हो? मेरा वक्त से ध्यान हट गया, मैं बस आ रही हूँ। ओके, मैं उस पर यकीन करना चाहता था, लेकिन मेरे दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। क्या उसके और सूरज के बीच कुछ चल रहा था? ये ख्याल मेरे दिमाग में जोंक की तरह चिपक गया था, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जब तक घड़ी में 11 बजे, मेरी चिंता गुस्से और घबराहट में बदल चुकी थी। लेकिन फिर आखिरकार दरवाजा खुला, निशा अंदर आई, लेकिन वो काफी अलग लग रही थी। उसके चुलबुले अंदाज की जगह बेचैन कर देने वाले अंदाज ने ले लिया था। उसकी आंखों में चमक नहीं थी और उसकी हरकतें अजीब और सुस्त सी लग रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं उसे अपनी नाराजगी और गुस्सा जाहिर करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया और बार बार ये कहती रही कि उसका पेट भरा हुआ है और वो मेरे हाथ का बना हुआ डिनर नहीं खाना चाहती। ये बिल्कुल भी निशा नहीं थी, उसे तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। क्या, लेकिन मैंने पूरा दिन तुम्हारे लिए ही खाना बना, मैंने गुस्से में कहा। मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई, उसने बोला। मुझे अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है करण, हाइक करते हुए मैंने कुछ खा लिया था। जिस तरह से वो बात कर रही थी, मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नजरें चुरा रही और मुझसे कोई राज छुपाने की कोशिश कर रही। हमारा अपार्टमेंट, जो अक्सर काफी प्यारा और सबको पसंद आने वाला हुआ करता था, आज एकदम ठंडा पड़ गया था, जैसे तापमान गिर गया। जैसे जैसे रात बढ़ी, अपार्टमेंट का माहौल बदल गया। मुझे बहुत ही घुटन और घबराहट महसूस होने लगी। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन मुझे सामान अपनी जगह से इधर उधर होते हुए दिखाई देने लगा। लाइट्स बिना वजह झिलमिलाने लगी और घर के अंदर हीटर चलने के बावजूद घर में ठंड बढ़ गई। निशा का बर्ताव बेहद अजीब होता गया। वह बीच बीच में अजीब भाषा में कुछ फुसफुसा रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसकी आवाज एक अजीब लय में आ रही थी। हो सकता है कि मैं सिर्फ उस पर चिल्लाने और गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा था। मैंने अपने रेस्टोरेंट का सबसे व्यस्त दिन छोड़कर उसके साथ वक्त बिताने के लिए तय किया था, लेकिन उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो शाम एक रोमांटिक वक्त से हटकर एक परेशान कर देने वाले अनुभव में बदल गई थी, जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था।
मैं खुद से इस रिश्ते के बारे में नहीं बल्कि सच्चाई के बारे में भी सवाल करने लगा। आखिर उस हाइक पर हुआ क्या था, उसे जंगलों में क्या मिला था, और सबसे ज्यादा जरूरी उसे हुआ क्या था। जो निशा मेरे सामने खड़ी थी वह दूर दूर तक वैसी नहीं थी जिसे मैं जानता था और जिसे मैं प्यार करता था। वो कुछ अजीब लग रही थी। घड़ी में रात के 12 बज गए, फिर भी घर में छाई हुई अजीब सी मनुष्यत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं वहां खड़ा होकर उस डिनर को देख रहा था जो मैंने वैलेंटाइंस के खास मौके पर बनाया था, जिसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। यह देखकर मुझे निराशा और चिंता दोनों का एहसास हुआ। निशा का स्वभाव और भी ज्यादा उलझन भरा होता जा रहा था। खाने की तरफ उसकी कोई रुचि नहीं थी। मुझसे दूर दूर रहना, पेट भरा होने की बात करना, यह देखकर इतना तो कहा ही जा सकता था कि यह सब परेशान कर देने वाली बातें थी। हमारे मिलने से पहले वो काफी सख्त डाइटिंग फॉलो करती थी। मैं जानता था कि वह अपनी डाइट के नियम के लिए बहुत ही सख्त थी, इसलिए मैं जानता था कि वह झूठ बोल रही थी। निशा, तुम इस तरह बर्ताव नहीं करती। जब से तुम वापस आई हो अजीब बर्ताव कर रही हो। आखिर हाइक पर हुआ क्या था, मैंने निशा से पूछा। कुछ नहीं करण, मैं खाना खाने के मूड में नहीं हूँ बस, समझे तुम, निशा ने कहा। जब उसने इस लहजे में बात की तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। मैं जितना ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करता वो उतनी ही ज्यादा चीजें छुपाने और टालने की कोशिश करती। मेरे दिमाग में अलग अलग संभावनाएं बनने लगी, जिनमें से सबसे परेशान कर देने वाली सूरज और उनके बीच के रिश्ते की। लेकिन जैसे ही रात और काली हुई, मेरी परेशानी की वजह एकदम बदल गई। निशा का व्यवहार और ज्यादा भयानक हो गया। वह घर में बेचैन होकर घूम रही थी। उसकी हरकत अजीब और डरा देने वाली थी। कभी वो एकदम से चलते चलते रुक जाती और फिर पागलों की तरह दीवार की तरफ देखती, जैसे वहां कुछ हो। निशा, ये तुम क्या देख रही हो, मैंने पूछा। क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, वो फुसफुसाने की आवाज, निशा ने दीवारों की तरफ देखते हुए कहा। कोई आवाज नहीं, घर में सन्नाटा था, जिसको भंग सिर्फ और सिर्फ झिलमिलाती हुई लाइट्स कर रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि अपार्टमेंट में हद से ज्यादा ठंड पड़ गई थी। मेरी सांसों से ओस निकलते हुए दिखाई देने लगी थी। मैंने खुद को अपनी बाजुओं से ढक लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हालात इस तरह बदल क्यों रहे थे। जैसे जैसे रात और गहरी होती गई तो ऐसा लगने लगा कि अपार्टमेंट अजीब अजीब हरकतें शुरू कर रहा है। बिना किसी हवा के दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। लाइट कम होती होती कभी बहुत तेज हो जाती। मेरे आसपास परछाई घूमने लगी, जैसे वो मेरे दिमाग के साथ कोई खेल खेल रही हो। निशा का अजीब बर्ताव असाधारण गतिविधियों के साथ साथ बढ़ता गया। वो किसी अलग ही भाषा में कुछ बोलने लगी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आवाज में खराश थी और काफी मर्दाना लग रही थी। डर मेरे अंदर बैठ गया। जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो किसी अनजान की तरह बर्ताव कर रही थी, जो मुझे डराने लगा। मैंने उसके पास जाने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि क्या चल रहा था, लेकिन उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे शरीर से मेरा हाथ झटक दिया। निशा, प्लीज मुझसे बात करो, ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैंने उसके पास जाके पूछा। बहुत ठंड है करण, यहाँ बहुत ठंड है ना, निशा ने बोला। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपार्टमेंट के अंदर का तापमान और भी ज्यादा गिर गया। एक अलौकिक ठंड जो उसके शरीर से निकलती हुई लग रही थी। इस डरावनी सच्चाई के बीच ये बात तो मुझे साथ साथ समझ में आ गई कि निशा के साथ जो हो रहा था वह प्राकृतिक नहीं था, कुछ ऐसा जिसे बयान नहीं किया जा सकता था। हाइक पर कुछ तो हुआ था। मैंने क्या हुआ था ये जानने के लिए सूरज को फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था। हमारा घर अचानक भयानक गतिविधियों का मंच बन गया था, जिसमें निशा ऐसा किरदार निभा रही थी जिसमें उसकी रुचि तक नहीं थी। अपनी आंखों से मैंने घर की चीजों को जमीन पर गिरने से पहले हवा में उड़ते हुए देखा। शीशे धुंधले हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य जीव सांस ले रहा हो, और परछाई अपने ही जीवन के आनंद में नाचती हुई दिखाई दे रही थी। निशा का व्यवहार साफ तौर पर समझ आने वाले पल और भयानक घटनाओं के बीच झूल रहा था, जहां वो पूरी तरह से किसी शक्ति के वश में लग रही थी। मैं एक ऐसी मझधार के बीच खड़ा था जहां मेरे लिए यह समझना मुश्किल था कि मैं भाग जाऊं या इसकी मदद करूं। क्या निशा किसी आत्मा के वश में थी? मुझे ये सुनने में तो हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी रात की घटनाओं ने मेरी किसी भी बात को समझने से इनकार कर दिया। एक सामान्य स्थिति को बरकरार रखने की कोशिश में मैंने उसको बातचीत में शामिल करने और उसे वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। निशा, हमें तुम्हारे लिए मदद की जरूरत है, ये सब ठीक नहीं है, मैंने कहा। मदद? अब मदद करने के लिए काफी देर हो गई है करण, निशा ने अजीब से अंदाज में कहा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह मानवता से रहित थे। वो आवाज पूरे घर में जोर जोर से गूंजने लगी, एक शैतानी हंसी जो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी। मैं अपनी सोच की गहराई से बाहर आ चुका था, एक ऐसी स्थिति का सामना कर रहा था जो तेजी से बदल रही थी। वो लड़की जिसके साथ मैंने एक रोमांटिक शाम बिताने के बारे में सोचा था, वो एक ऐसे खौफनाक राज के बीच फंसी हुई थी। रात ना यकीन किया जाने वाला भयानक रूप ले चुकी थी, जो उस रोमांटिक शाम से तो कोसों दूर था जिसके मैंने सपने देखे थे। निशा,
वो लड़की जिसे मैं कई सालों से जानता था और प्यार करता था अब एक अजनबी बन चुकी थी। 100 साल से भी ज्यादा पुरानी यह जमीन जिस पर अब बिल्डिंग बन चुकी थी डरावनी घटनाओं का मंच बन गई। इन सब में सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाला बदलाव था निशा का बर्ताव। साफ तौर पर सोचने समझने की उसकी शक्ति खत्म होती जा रही थी और यह जाहिर था कि किसी भारी प्रभाव ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। वह बार बार किसी ऐसी भाषा में बात कर रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। उसकी आवाज धरती के किसी प्राणी से मेल खाती हुई नहीं लग रही थी। ये तुम क्या कर रही हो, ये नॉर्मल नहीं है, हमें मदद ढूंढनी होगी जल्दी, मैंने डरते हुए कहा। मदद? मेरे अंदर जो है उसके लिए कोई मदद नहीं कर सकता, निशा ने कहा। उसके जवाब ने मेरे अंदर डर की लहर को दौड़ा दिया। ये साफ होता जा रहा था कि हम एक ऐसे प्रेत का सामना कर रहे थे जो बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है। पूरे घर में उसके होने का असर महसूस होने लगा था। मैं जैसे जैसे उसके करीब जाता ठंड का एहसास बढ़ता चला जाता था। अपार्टमेंट में इतनी ठंड उसी की वजह से थी। एक भयानक पल में तो निशा का शरीर विज्ञान को चुनौती देने वाले तरीके से हिल रहा था और झटके दे रहा था। उसने अपने शरीर को कमर से पूरा उल्टी तरफ मोड़ लिया था। बहुत ही भयानक लग रही थी वो। उसकी आंखें जिनमें कभी प्यार दिखाई देता था अब उनमें खून उतर आया था और पूरी तरह से लाल हो रखी थी। उसका ये रूप देखकर मेरी तो सांसें ही अटक गई थी। निशा मुझे ऐसे घूर के देख रही थी जैसे वो अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी अजीब हरकतों का सिलसिला भी बढ़ने लगा। घर की दीवारों से एक अनदेखी ऊर्जा निकल रही थी जिससे कमरे की हवा में डर का भाव महसूस होने लगा। सच्चाई और बुरे सपने के बीच बने धुंधले पर्दे ने मेरी सोच पर सवाल खड़े कर दिए। मैंने डरते हुए एक बार फिर उसके दोस्त को फोन किया लेकिन अभी भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला। व्याकुल होकर मैं निशा के पास पहुंचा और उसके अंदर खुद का जितना भी अस्तित्व बचा था उससे बात करने की कोशिश की। निशा प्लीज, अगर तुम मुझे सुन रही हो तो इससे लड़ो। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैंने निशा से कहा। बहुत देर हो गई, बहुत देर, निशा ने अजीब से लहजे में कहा। उसके शब्द भयानक फुसफुसाहट में बदल गए। उसकी आंखें मुझसे हटकर किसी और तरफ आकर्षित हो गई। अपार्टमेंट का माहौल और भी ज्यादा भयानक हो गया, जैसे उसके शब्दों ने किसी अदृश्य चीज को जगा दिया। फिर एक भयानक दृश्य ने मुझे जकड़ लिया। मैंने खुद को एक पहाड़ी इलाके में पेड़ से बंधा हुआ पाया। काला नकाब पोश पहने हुए लोग मुझ पर थूक रहे थे जिन्होंने बारी बारी से आगे आकर मुझे चाकू से काट डाला। वो किसी अजीब भाषा में जाप कर रहे थे, वही जो मैंने निशा को बोलते हुए सुना था, और मेरे चारों तरफ गोल गोल घूम रहे थे। जैसे ही मैं चिल्लाया मेरा खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गया। मैंने आसमान में चीले उड़ती हुई देखी जो मेरा दर्द कम होने का इंतजार कर रही थी कि वो मुझे खा सके। मैं असल जिंदगी में वापस आया और मैंने निशा की तरफ देखा। अब उसे देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता था। जिस भी बुरी आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था अब उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। वो निशा की ताकत और डर का इस्तेमाल करके शक्तिशाली हो रही थी। मैं सोचने लगा किस तरह मैं इस आत्मा के मुंह से ये निकलवा सकता हूँ कि आखिर उसने निशा के साथ क्या किया। वह रात अब वैसे भी एक जीता जागता बुरा सपना बन गई। एक ऐसी आत्मा के साथ लड़ाई का मैदान जिसे समझाया नहीं जा सकता। एक दुष्ट भावना की पकड़ में फंसी निशा हमारे चारों ओर फैले आतंक का शिकार और जरिया दोनों थी। अपार्टमेंट में उथल पुथल अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हवा में भारीपन आ गया। निशा का व्यवहार अब पूरी तरह से पागलपन में बदल गया था। उसकी हरकतें उस शक्ति के द्वारा की जा रही थी जो उस पर हावी थी। हमारा रिश्ता जो कभी प्यार और समझ की परिभाषा देता था वास्तव में एक भयानक संघर्ष में बदल गया था। उस तक पहुंचने की बेताब कोशिश में उस पर छाई अंधेरे को तोड़ने के लिए मैंने उससे सवाल करना शुरू कर दिया। मैं उससे पूछने लगा, निशा ये तुम नहीं है और जिसने भी तुम्हें अपने वश में किया है तुम्हें उससे लड़ना ही होगा, मैं जोर से बोला। लड़ना होगा, वो पहले से ही जीत चुकी है, निशा के शरीर पर अपना कब्जा किया उस आत्मा ने कहा। उसके जवाब ने मेरी हड्डियां तक जमा दी। ये साफ जाहिर था कि जो कुछ भी उसके अंदर था वो मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहा था। जब हमने बहस करना शुरू किया तो कमरे के अंदर की हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई। घर का सामान बहुत ही तेजी से इधर उधर उड़ते हुए टूटने लगा। घर की झिलमिलाती हुई लाइट्स दीवार पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनाकर हमें डरा रही थी। हम दोनों की बहस के बीच निशा के शरीर पर घाव दिखाई देने लगे। वे काफी गहरे थे और उसी आत्मा के दिए हुए लग रहे थे। ये घाव कैसे हैं, मैंने डरते हुए पूछा। खूबसूरत है ना, हर एक घाव ये याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने मुझ पर चाकू से वार किया था, उस आत्मा ने कहा। उसके इस रहस्य ने मेरे अंदर डर की लहर दौड़ा दी। अब बात सिर्फ और सिर्फ निशा के शरीर को अपने कब्जे में करने की नहीं थी बल्कि कई आगे बढ़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्राचीन और बुरी चाहत रखने वाले का शिकार बन गई। इस बातचीत का अंत तब हुआ जब निशा ने गुस्से में अपने खाने की प्लेट को कमरे में उड़ाकर फेंक दिया। प्लेट दीवार से टकराकर टूट गई, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा जीवन बिखर गया था। और तभी एक चूहा दीवार पर बने अपने बिल से बाहर निकला। तभी निशा ने अपने
नए अप्राकृतिक स्वभाव का भयानक प्रदर्शन करते हुए वो फर्श पर इधर उधर भाग रहे चूहे पर झपट्टे मारते हुए उसे पकड़ने लगे और फिर उसने बेरहमी से उसके सर को अपने दांतों से अलग कर दिया। वो उसे बेरहमी से खाने लगी। निशा, ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम क्या कर रही हो, मैं चिल्लाया। अब ऐसा ही है करण, यही मेरा नया रूप है, निशा ने एक बेहद ही डरावने अंदाज में कहा। उसके अजीबोगरीब बर्ताव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने दिल दहला देने वाली बात कही थी। जिस निशा को मैं जानता था और प्यार करता था वो जा चुकी थी और उसके जैसा नकाब पहने कोई और ही मेरे सामने खड़ा था। चौंका देने वाले उस क्षण में मुझे एहसास हुआ कि हम किस भावना में डूबे हुए। जिस अलौकिक शक्ति ने निशा पर कब्जा किया होता वो न सिर्फ उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चला रही थी बल्कि उसने पूरी तरह निशा को अपने रंग में रंग लिया था और उसे एक अपरिचित शख्स में बदल दिया था। निशा के अंदर की शक्ति ने जब उस पर हावी होना शुरू किया तो मैं समझ गया कि मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि मैं एक ऐसी बुराई से लड़ रहा था जो इस जहां के लिए हानिकारक है। उस रात का भयानक खौफ अपने भयानक चरण पर पहुंच गया था जब मैं अपने अपार्टमेंट के बीचों बीच डर के एहसास के साथ खड़ा था जो कभी शांति का प्रतीक हुआ करता था। निशा या फिर वो जिस भी रूप में बदल चुकी थी मुझे ऐसी नफरत भरी आंखों से घूर रही थी जो कभी देखी नहीं थी। उसके अंदर का डर अपने खुद के जीवन के साथ कांपता हुआ लग रहा था। भयानक स्पष्टता के एक पल में निशा पर कब्जा कर आत्मा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कुछ अपनी और कुछ बुरा चाहने वाली आत्माओं का मिश्रण लग रही थी। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया ना करण, जो शक्ति मेरे अंदर है वो प्राचीन वंश को मेरे जरिए जारी रखेगा, निशा के शरीर में रह रही बुरी आत्मा ने बोला। मैं ये सुनकर डर गया क्योंकि उस आत्मा ने अपना वास्तविक रूप जाहिर किया था। इसमें एक प्राचीन बलिदान की बात की गई, एक बुरी आत्मा जिसका इस धरती पर निवास है और वो अपनी इस विरासत को जारी रखने के लिए किसी सही शख्स का इंतजार कर रही थी। ये आत्मा काफी समय से शांत बैठी थी और सही शरीर का इंतजार कर रही थी और फिर उसने हाइकिंग के समय सूरज के साथ निशा को देखा। सूरज कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, मैंने चिल्लाते हुए पूछा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे भूख नहीं थी? मुझे ये सोचकर बहुत ही अजीब लगने लगा कि उसके अंदर जो भी है उसने सूरज को खत्म कर दिया और निशा को भूख क्यों नहीं लगी थी ये भी समझ में आया, लेकिन अब वो फिर से भूखी थी और उसकी नजर मुझ पर थी। तुमने क्या किया निशा के साथ, कहाँ है निशा, मैं गुस्से में बोला। निशा अब मेरा ही एक हिस्सा है, उस आत्मा ने कहा। जैसे ही वो आत्मा अजीब ढंग से मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुई मेरे अंदर डर की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई। उसके इरादे साफ थे, मैं अगला शिकार बनने वाला था। मैं पीछे हटने लगा, मेरा दिमाग इस बुरे सपने से बाहर निकलने के तरीके ढूंढ रहा था। वो आत्मा पीछे हटने वालों में से नहीं थी, उसने मुझे घेर लिया, उसकी ताकत जबरदस्त थी। बचने की बेताब कोशिश में मैंने अपने सबसे करीब रखी चीज को पकड़ लिया, मेरा शेफ चाकू। घर के अंदर चूहे बिल्ली का भयानक खेल चल रहा था जिसमें मैं चूहा था। निशा के चेहरे का नकाब पहने वो आत्मा मेरे ऊपर झपटी, उसकी आंखों में मैंने बुराई की चाहत देखी। मैंने एक पल में ही फैसला ले लिया, मेरे चाकू ने सीधा निशाना लगाया। वो आत्मा जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर ढेर हो गई, उसके अंदर की बुराई की बत्ती झिलमिला रही थी। मैं वहां खड़ा रहा, मेरे हाथ कांप रहे थे और चाकू से खून बह रहा था। मैं अभी अभी निशा को जान से मार चुका था, वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था, जबकि उसके शरीर में अब रही भी नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मैंने पुलिस को फोन मिलाया, मेरी आवाज कांप रही थी। मैं उन्हें कुछ ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा था जो समझाया नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने किसी तरह उन्हें सब कुछ बताया। प्लीज आपको मेरी मदद करनी होगी, मैंने पुलिस को बताया। जब पुलिस आई तो उन्होंने मुझे बुरी हालत में जमीन पर गिरा हुआ पाया, लेकिन मैं ये देखकर बिल्कुल हैरान था कि निशा का शरीर गायब हो चुका था, ना ही उसका शरीर था, ना ही खून की एक भी बूंद, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे रात की घटनाएं सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्पना थी। पुलिस वाले मेरे ऊपर एक संदेह भरी नजर डालते हुए चले गए, उनका संदेह करना सही था। मैंने अकेले ही अपने सोच के टुकड़ों को बटोरना शुरू किया, आखिर वह इस तरह खुद ब खुद गायब कैसे हो सकती है? क्या वो आत्मा अभी भी खुलेआम कहीं घूम रही थी? जब मैं अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा था तो एक दिल दहला देने वाला सच मेरे सामने आया, वो चूहा। उसका सर नहीं था और वो किचन में बिना सर के तड़पते हुए घूम रहा था। इससे ये तो सच था कि कल रात जो कुछ भी इस घर में हुआ वह मेरी एक महज कल्पना नहीं थी। उस परिस्थिति की सच्चाई मेरे सामने आ गई, वो आत्मा बेशक घायल थी लेकिन अभी भी जिंदा थी। उस बुराई का होना मेरे जीवन के लिए अभी भी खतरनाक था। मुझे दोषी होने की भावना, डर और उन अनसुलझे सवालों से जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था जो मेरी दुनिया का हिस्सा बन गए थे। उस वैलेंटाइन की रात के बाद मेरा अस्तित्व एक भयानक कब्रिस्तान बन गया, एक ऐसा जीवन जो प्राचीन बुराई के अंधकार से ढका हुआ था।